जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फौजी मैथ अकेडमी में। दोस्तों जो आज का वीडियो है स्पेशली ये है एसएससी जीडी की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, साथ ही अगर आप और भी कोई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी मैं ये वीडियो बता रहा हूँ कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, इसमें जो पोस्ट का अनुमान लगाया जा रहा है वो है 84,000 पोस्ट। बहुत ही बड़ी पोस्ट होती है, इसका एज का पूरा क्राइटेरिया मैंने बता रखा है वीडियो में कि इसकी एज कितनी है, इसके लिए फिजिकल कैसा होता है, इसके बारे में पूरा का पूरा मैंने वीडियो बना रखा है। लेकिन स्पेशली मैं आपको, अगर आप पहली बार तैयारी करें तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एसएससी जीडी की ज़रूर तैयारी करें, क्योंकि एसएससी जीडी के जो सब्जेक्ट है या जो इसका फिजिकल मापदंड है वो काफ़ी ईजी है और आप इसकी तैयारी करके पहली बार में नंबर पा सकते हो दोस्तों। दूसरे किसी भी एग्ज़ाम में आप सिलेबस में फंस जाओगे, क्योंकि बहुत ही टिपिकल सिलेबस होता है इसका। जो सिलेबस दिया गया है बहुत ईजी है, इसमें केवल आपको मेहनत की ज़रूरत है। आपको पता है इसमें 25-25 नंबर के चार सब्जेक्ट है, हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीके, और ये वैकेंसी 84,000 से 1,00,000 के बीच में इसकी पोस्ट आने वाली है। 25 मार्च से इसके फॉर्म शुरू होने वाले हैं, तो 25 मार्च के अब ज़्यादा दिन नहीं है, 25 मार्च को इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी और उसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि एसएससी जीडी की वैकेंसी है, इसमें 84,000 के आसपास पोस्ट अनुमानित मानी जा रही है और शायद 100% तक कि 84,000 पोस्ट ही इसमें आने वाली है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जीडी की ज़रूर तैयारी करें, बिल्कुल इजी सब्जेक्ट है, इसका फिजिकल भी बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले आपको अगर करना है तैयारी तो क्या करना है, आप किसी भी की और भी तैयारी कर, जैसे अगर आप आरपीएफ की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो उसके साथ में ये तैयारी एडजस्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि आप हिंदी अभी पढ़ी ही मत, पहले इसकी हिंदी जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाए, जब फॉर्म भर दो, एग्ज़ाम डेट आ जाए, फिर पढ़ लेना भले, क्योंकि इसमें जो हिंदी आती है वो बिल्कुल लो लेवल की आती है, ज़्यादा हार्ड नहीं आती। लेकिन आप मैथ रीजनिंग जो पढ़ रहे हो तो उसके लिए आप एसएससी जीडी भी माइंड में लेके चलिए। और अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो किसी फोर्स की, आप 12th क्लास अभी पास की हो या 10th क्लास अभी पास की हो और आप तैयारी कर रहे हो, तो आप एसएससी जीडी की ज़रूर तैयारी करें, क्योंकि इंडिया लेवल में काफ़ी बड़ी पोस्ट है इसमें। चाहे आप कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हो इसका फॉर्म भर सकते हो, इसका फिजिकल मापदंड बहुत ईजी है। अगर मेडिकल में भी अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो एसएससी जीडी का जो मेडिकल होता है वो भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, आर्मी से काफ़ी लेवल कम है इसके मेडिकल का, तो आपको मेडिकल अनफिट होने के चांस भी बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इसमें आपको चांस दिया जाता है, एमएस दे दिए तो आप उसको सही करा सकते हो, आपको एक टाइम पीरियड मिल जाता है, तो उससे हिसाब से ये वैकेंसी बहुत ही बढ़िया है। इससे आप एसएसएफ, एनआईए, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, इतनी सारी आपके पास में चॉइस है, असम राइफल, इनमें से किसी फोर्स जो आपको अच्छी लगती है उसमें जा सकते हो, इतनी सारी आपको मतलब एक चॉइस भी मिलती है एसएससी जीडी के थ्रू, तो काफ़ी चॉइस है और आपकी मेहनत के अनुसार ये चॉइस आप भर सकते हो। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया कि आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए, अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो भी आपकी फर्स्ट चॉइस क्या होनी चाहिए और सबसे अच्छी फोर्स कौन सी है, इसके बारे में भी मैंने काफ़ी वीडियो बना रखी। जो मेरा दूसरा चैनल है कमांडो अकेडमी, आप उस पर जाके भी देख सकते हो, उसके बारे में मैंने सभी फोर्स के स्पेशली वीडियो बना रखे हैं कि कौन सी पोस्ट कैसी है, तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा तो वहाँ जाके भी आप देख सकते हो। लेकिन आपको एसएससी जीडी की तैयारी करनी है तो मैं बता दूं कि एसएससी जीडी में इस बार 84,000 से ऊपर पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है, और ये मान के चलिए कि इसकी नोटिफिकेशन 25 मार्च को आ रही है, तो आपको नंबर पक्का हो सकता है दोस्तों। इसलिए अगर आप पहली बार ही तैयारी कर रहे हैं किसी फोर्स की या कि पहली बार ही किसी के भर्ती की तैयारी कर रहे हो, तो इसका सिलेबस भी ईजी, इसका फिजिकल भी ईजी, इसका मेडिकल भी ईजी, तो आपको इसी फोर्स की तैयारी करनी चाहिए और एसएससी जीडी के थ्रू आप इन किसी भी फोर्स में ज्वाइन हो सकते हो दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने तैयारी करना शुरू नहीं किया एसएससी जीडी की तो शुरू कर दीजिए। जय हिंद।